नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशान। नेशनल रूरल 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के चमोली आज जोशीमठ के ब्लॉक सभागार में तहसील दिवस के शुभ अवसर पर बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य के मुद्दे छाए रहे। बता दें कि मंगलवार को आयोजित ब्लॉक सभागार में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें 14 शिकायतें दर्ज की गयी। बता दें कि दर्ज शिकायतों में 2 शिकायत का त्वरित निस्तारण किया गया, जबकि 12 शिकायतों को जल्द निस्तारण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किए गए। शिकायतकर्ताओं में अत्यधिक शिकायतें PMGSY की थी, जिन्हें जल्द ही दूर करने के निर्देश दिए गए। तहसील दिवस पर कई विभाग के अधिकारी अनुपस्थित रहे, वहीं अनुपस्थित अधिकारियों को नोटिस भेजने के निर्देश दिए। चमोली से नवीन सिंह की रिपोर्ट। तहसील दिवस में 14 लिखित शिकायतें, 5 से 6 मतलब मौखिक शिकायत आई, जिनमें से 2 का मौके पर निस्तारण किया गया। उसमें अधिकतर शिकायतें PMGSY, पेयजल और PWD से संबंधित। फिरोजाबाद से मक्खनपुर के रतन प्रकाश गुप्ता भावी प्रत्याशी नगर पंचायत की तरफ से सभी देशवासियों को हिंदू नववर्ष व नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। नवसर राठौर, पूर्व प्रधान गंगा नेताजी, कांसवली वाले जिजोली ग्राम प्रधान। मैं नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं ग्रामवासी नगर पंचायत को देता हूं और आने वाले नवरात्रि को भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जिला चिकित्सालय फिरोजाबाद डॉक्टर अभिषेक सिंह दंत रोग विशेषज्ञ की तरफ से आप सभी देशवासियों को हिंदू नववर्ष व नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उमाकांत गुप्ता, मंडल उपाध्यक्ष मक्खनपुर। सभी मक्खनपुर नगर पंचायत वासियों को मेरी तरफ से हिंदू नववर्ष व नवरात्रि की शुभकामनाएं। जिला चिकित्सालय फिरोजाबाद डॉक्टर रोहित यादव दंत रोग विशेषज्ञ की तरफ से सभी देशवासियों को हिंदू नववर्ष व नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं।